वेलकम फ्रेंड्स, द लास्ट डेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आप समझ नहीं सकते मैं आज कितना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी चक्कर में मैं आपको आज से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे पहले आप क्या करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, हम लोगों ने मैंने अभी तक आपको इस 6th क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है। हाँ, भूगोल विषय को कंप्लीट करवा दिया है, वो उसका वीडियो देख लें आप। हाँ, अगर कहीं कोई जो आपको परेशानी है तो वो हमें बताएं। ठीक, और कहीं कोई भी सवाल है तो वो बता सकते हैं। ठीक, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कर ही लो। ठीक, और क्या, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा। और ये वैसे आपको पता होगा कि क्लासेस हम किस लिए चला रहे हैं, यूपीएससी एमबीपीएससी के लिए बेसिक क्लासेस है ये, और इसमें अपन एनसीईआरटी कंप्लीट करें। साथ ही कुछ जो बच्चे जूनियर्स क्लासेस के बच्चे हैं, जैसे 6th to 10th या 12th 11th 12th है ना, तो उन लोगों के लिए भी ये क्लास से महत्वपूर्ण है। जैसे जो भी क्लास आपको हो उस क्लास की जो बुक्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, चलो तो आज स्टार्ट कर देते हैं। इतिहास आज हम पढ़ा रहे हैं, इस बात का इतिहास खुद गवाह रहेगा कि हमने भी कभी इतिहास आपको पढ़ाया था। तो इतिहास वही है क्या जो गवाही के प्रमाण देता है। इतिहास दो शब्दों से मिलके बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ है, इति मतलब पहले बीत गया, हास मतलब उसका अध्ययन है ना, जो बीत गया उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास। ठीक, इंडिया में यानी भारत में इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, H.D. संकलिया साहब को इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, तो आज स्टार्ट कर दे। देखिए, इतिहास बहुत पुराना इतिहास स्टार्ट करेंगे हम। इतिहास कहाँ से, स्टोन एज से, यानी जो पाषाण काल से स्टार्ट होता है और अभी तक चलता रहता है। इतिहास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होगी। अब एक बार जो लिखा गया उसके बाद कंटिन्यू चलती रहेगी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। जो इस बुक का नाम पता ही है आपको, जिसका अध्याय नंबर पहला क्या है, क्या कब कहाँ और कैसे, व्हाट वेयर एंड हाउ है। चलो स्टार्ट कर दें, पहले ही सवाल आ गया है, चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ और पहले ही सवाल आ गया। देखिए, इतिहास पढ़े ना तो जो ऊपर सवाल है उसको अपने हिसाब से देखते रहें। चलो, ये कौन है, रसीदा है, इनका सवाल क्या है, जो रसीदा एक लड़की है इसका सवाल है, और ये क्या कर रही हैं, सुबह उठ के अपने बैठी हैं और अखबार पढ़ रही हैं, अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। देखिए, रसीदा बैठी हैं, अखबार पढ़ रही थी, अचानक उनकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी यानी वो हेडलाइंस होती है ना, जो काले काले अक्षरों में, मोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखी रहती हैं, वो सुर्खियाँ होती हैं। 100 साल पहले क्या पढ़ा है उन्होंने, 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक, उसी के विषय में हम पढ़ेंगे, उनका क्वेश्चन है और उन्हीं के क्वेश्चन पे ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। चलो स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, इन्हें आश्चर्य है, तो उसी का जवाब में क्या लिखा, कैसे पता लगाएं। चलो लगाते हैं, पता कैसे लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब याददाश्त, उसे उस पुराने जमाने की कुछ यादें रहेगी ना, कुछ यादें रह जाती हैं, मेमोरीज।
हाँ, तो वही स्मृति होती है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? ठीक है, 1 वर्ष का पता लगा सकते हैं, 2 वर्ष का लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। हाँ चलो, ऐसा कर दें, कह सकते हैं कि यार इसको 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको 50 साल का कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो इससे क्या हमें एटलीस्ट एक 50 साल का पता लग जाएगा। लेकिन एवरेजन जो आयु रहती है आदमी, कितना 100 साल जी सकता है, बहुत से बहुत कितना 125 ईयर जी सकता है। इसके बाद तो थोड़ा टफ है ना। हाँ है ना, थोड़ा सा टफ, इतना मेंटेन कैसे करेंगे? तो अब वो कह रहे हैं 100 साल पहले, या नहीं आगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता देखो कितने साल पुराने, तो इस सभ्यताओं का कैसे पता लगाएंगे? चलो, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? तो देखें, जो अतीत मतलब इतिहास। हाँ देखिए, छोटे छोटे टर्म में आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको लिखते रहे, है ना। अतीत मतलब इतिहास होता है, अतीत जो बीत गया है ना। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक मतलब आखेट करने वाले होते हैं ना, शिकारी होते हैं ना। वो कौन सा अरिजीत सिंह का गाना आया था ना, वो उसमें गाने में था ना एक शब्द, अच्छा एक शब्द था, बहुत अच्छा शब्द था वो, मुझे बहुत प्यारा लगा। हाँ उसके आने में, कौन सी, वो बाजार फिल्म का गाना था है ना, उसको उसमें ऐसा आखिर शब्द आया था। ठीक, समझ में आ गए आखिर। पशुपालकों, कृषकों है ना, शासकों या व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकारों या किस फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। देखिए कितने सारे लोगों की हम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक, यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, ये थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आजकल लोग कौन से गीत गा रहे हैं? देखिए एक दौर रहता है। हाँ जैसे स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग अपना हिंदी सिनेमा का स्टार्टिंग देखेंगे तो 1992 के आसपास कौन सी मूवी आई थी यार, इंद्रप्रस्थ। हाँ इंद्रप्रस्थ में भी, हाँ ऐसे कोई सी मूवी आई थी है ना, उसमें मे बी 75 गाने थे। वो गाने कैसे बहुत ही संस्कारी और क्या बोलना चाहिए, हाँ बहुत मतलब इतना मतलब म्यूजिक म्यूजिक भी नहीं था। हाँ नॉर्मल लोग गा देते थे। ठीक, फिर ऐसे धीरे धीरे अपना एक दौर आया, 50 का ये दौर आया, 60 के दौर आया, 70 एंड 90। 90 के दौर में देखे, जैसे 90 के दौर में देखेंगे तो कुमार शानू आए, और कौन आए कुमार शानू के बाद, सोनू निगम थे, कुमार शानू हो गए, सोनू निगम हो गए, और अलका याग्निक थी, लता मंगेशकर थी, है ना। तो ये लोग कैसे अच्छे फिल्म में अच्छे गाने गाते थे। अभी जो मॉडर्न में देखिए, अरिजीत सिंह आ गया, और भी कई आ गए जैसे। और खेल के बारे में देखें तो स्टार्टिंग में उधर कौन थे, अपने ध्यानचंद्र थे, अभी इस प्रेजेंट में देखेंगे विराट कोहली हैं, विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर थे। तो ऐसे अपन सभी के जानकारी प्राप्त कर सकते। जैसे मुझे देखिए, इसका उसका ध्यानचंद्र जी का याद है, तो ये कैसा, मुझे एक किसी ने इतिहास लिखा, मैंने उसे पढ़ा, या टीवी है उसके थ्रू मैंने देखा, तो ये ऐसे इतिहास का हमें ऐसे पता लग जाता है। लोग कहाँ रहते थे, चलो अपन ने कितनी दो चीजें पढ़ ली। ठीक, अब क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ रहते थे। तो आगे चलें थोड़ा सा, इसको ऊपर कर लो। ठीक, मानचित्र 1, पृष्ठ 2, चलो अगले उस पे देखेंगे, में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक, नर्मदा नदी कहाँ है, अमरकंटक से निकली है नर्मदा, और कहाँ, अरब सागर की खाड़ी में, उसमें अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, रण के कच्छ के आसपास है ना, कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले, अमरकंटक के यहाँ से निकली है नर्मदा।
ठीक, और क्या देखना है इनके बारे में? नर्मदा दो पहाड़ियों के बीच में बहती हैं। कौन कौन सी पहाड़ी हैं? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी, दोनों के बीच में बहती हैं। चलो थोड़ा सा अपन मध्य प्रदेश का मैप देख लें, इसके बाद हम आपको बता। देखिए ऐसा बनेगा मध्य प्रदेश का मैप, ऐसा ऐसा। ठीक, ये मध्य प्रदेश का मैप हो गया। ठीक, मध्य प्रदेश कुछ ऐसा दिखता है। ये अपना सतपुड़ा सेक्टर, ये बिंद सेक्टर, यहाँ अपना अमरकंटक। ओहो एक सेकेंड। ठीक, ये अपना अमरकंटक सेक्टर यहाँ पे। ठीक, ये अमरकंटक सेक्टर हो गया। यहाँ से नर्मदा निकलेंगी, ये नर्मदा निकल रही है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात होती है, ये यहाँ से अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक, तो ये क्या बोला है? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। नदी के तट यानी देखिए, नदी के तट दोनों साइड हैं। देखिए दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं, तो मैं ये नदी के जो इनका तल क्षेत्र बना है उसी में ये लोग रहते थे बहुत ने कई लाख साल पहले। यहाँ रहने वाले वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो संग्राहक, जानते हो ना, किसी चीज़ को कलेक्ट करता हो, ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को कलेक्ट करता हो, या जैसे मानो जंगलों में जाएंगे तो कुछ लोग जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करते हैं ना, कुछ खाने की चीज़ें हैं ना, तो वो लोग कौन संग्राहक होते हैं। ठीक, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी गया, जैसे आप आजकल के लोग क्या करते हैं, जंगल जाएंगे तो कुछ नहीं, क्या क्या सोच के जाते हैं, चलो शिकार शिकार करके लाएंगे। तो गए, एक आध दो कुछ जानवर मारे और लेके आ गए, और कुछ कुछ लोग ऐसे जाते हैं, गए लकड़ी काटी लेके आ गए। बट वो लोग कैसे थे? विद्वान थे। ठीक, उनमें दिमाग था, तो क्या करते थे? जड़ी बूटियाँ या उनके जो कुछ घाव लग जाते थे उनके लिए जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करते, खाने खाने के लिए चीज़ें वो कलेक्ट करते थे, गाद कलेक्ट करते थे ना ना, शहद को कलेक्ट करते थे, ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते थे जो उनके लिए उपयोगी हों उस टाइम पे। आजकल के क्या है कि आज आज तो हम सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। ठीक, तो उन्हीं की जो दी गई परंपरा है हम उसी का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक, हमने कोई नया वो नहीं किया। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, उन्हीं से कुछ ना कुछ सीखा है और उसी में थोड़े बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, और उस पे हम अपने आप को क्या महान समझते हैं। ठीक, जबकि महान कौन थे? वही लोग महान थे। ठीक, चलो आगे देखें। ये विशाल संपदा से परिचित थे, आगे क्या है? अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। वही मैंने कहा, आजकल एक शब्द आया ना शिकार, है ना, उस टाइम क्या बोलते थे? आखेट, या इतिहास में शिकार को ही आखेट कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मिनट, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये पेज नंबर 2। ठीक, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कितनी वर्ष पहले? 8,000 वर्ष पहले उन लोगों ने क्या किया, किसकी फसल? गेहूं और जौ। जौ तो जानते होगे, है ना, जौ एक देखा होगा यार हमारे इधर, क्या वो देव उठनी 11 से रहते हैं, दीपावली के 11 दिन बाद जो देव उठनी 11 रहते हैं उस दिन इससे पूजा की जाती है ना, ऐसा छोटा सा रहता है, इतना बड़ा छोटा सा एक बीज रहता है। ठीक,
समझ गए। और आगे चलें, गेहूं जो हो गए इनका उपज आरंभ किया उन्होंने, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, बनाना शुरू किया। ठीक, पहले ये भी क्या भेड़ बकरी गाय और ये भी क्या पहले से पालतू थे। ठीक, देखिए आज भी हम लोग कुछ नया किया नहीं किया ना, अगर वो लोग शेर को पालते तो आज हम भी शेर को पालते। ठीक, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शेर घातक जानवर है जो हमारा ही शिकार कर सकता है, इसलिए उन लोगों ने पालतू नहीं बनाया। तो ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, ये लोग गांव में रहते थे, गांव नदी के किनारे में भी ज़्यादातर होते थे। हाँ, नदी के दोनों तटों पे गांव बसे रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक, चलो अपन पहले इधर ऐसे चलते हैं, ये रहा अपना मैप। ठीक, ये तो रहा अपना मैप, इधर आ जाओ थोड़ा सा, पेन ले लें। ठीक, पेन ले लिया। देखो ये रही गारो पहाड़ियाँ। ठीक, ये रही विंध्य पहाड़ी, ये अपनी नर्मदा जी रही। ठीक, ये नर्मदा यहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश वाला, ये चंबल वाला ना, यमुना। ठीक, ये रहा सुलेमान, ये रहा किरथर। ठीक, और कुछ देख लिया, और थोड़ा सा ऊपर देख लो। समझ गए, यहाँ से क्या गेहूं और जौ की फसल स्टार्ट हुई थी सुलेमान और किरतर से, इस वाले सेक्टर से। ठीक, देखिए जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो जो मानव सभ्यता का जो आरंभ हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। ठीक, और कुछ जो विद्वान या इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो नर्मदा घाटी है यहीं से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, जबकि हम कहाँ इधर यूरोप मध्य एशिया के आसपास से देखते हैं कि मध्य एशिया के इधर से किसका मानव सभ्यता का विकास हुआ। चलिए ये ठीक है, हो गया ये अपना कॉम्प्लीट, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको पूरा देख लेंगे मैप को। हाँ एक बार, और ऊपर कुछ रह गया, चलो ये स्थितियाँ, ये स्थितियाँ आपने सब देख ली, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो इसको नॉर्मल पढ़ लें। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक, अपन ने मानचित्र में देखा था। ठीक, वहाँ पे अपन ने सबरी ये सारी की सारी ये जी यहाँ इनकी प्लेस है नदियों की, वो देख ली है। ठीक, सहायक नदियाँ इन्हें क्या उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना गया है। ठीक, लगभग 4700 वर्ष पहले जो नदियाँ थी है ना सिंधु के जो आसपास की, जो सिंधु है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, तो इनके आसपास जो नदियों के किनारे थे यहाँ पे कुछ लोग बस गए थे। ठीक, और वहीं जो समुद्रों की आसपास की बात करें, समुद्री तट की इलाकों की, तो उन पे 2500 वर्ष के आसपास के हमें जो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, चलो एक सेकेंड रुकना। गंगा तथा इसकी सहायक नदी है सोन, सोन का पता लगा, जो मैप है उसमें अपन मैप को देखेंगे, फिर इसके बाद उसका पता लगाएंगे। गंगा
गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध है। मगध कहाँ? बिहार में है। यहाँ मगध का उत्थान कब हुआ था या मगध किसके शासन, मगध का इतिहास हमें कहाँ से ज़्यादातर पता लगता है? बुद्ध काल से, है ना। बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे उस टाइम में, है ना, जो प्रसिद्ध महाजनपद थे, उनमें से मगध सबसे जो प्रचंड था वो मगध था। यहाँ के राजा कौन थे? बिम्बिसार। ठीक, चलो, बिम्बिसार ने मगध की स्थापना की, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक, जबकि पहले क्या थे? पहले एक नॉर्मल था, जबकि यहाँ इसने उसको मगध को स्थायित्व प्रदान किया है। किसने? बिम्बिसार ने। चलो, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल से राज्य स्थापित किया था, है ना। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी राज्यों की स्थापना की गई थी, और ऐसा नहीं कि मगध ही अकेला था। मगध के उत्थान के बाद उसके जो आसपास के और भी जनपद थे उनका भी उत्थान हुआ था। ठीक, चलो, क्योंकि मगध किस कौन से कहाँ से है? बिहार में है। बिहार किस नदी, बिहार में कौन सी नदी है? गंगा। हाँ, ठीक, तो गंगा नदी के तट पे क्या था? अपना मगध बसा हुआ था। ठीक, चलो, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। हाँ, तो क्या जो पुराने लोग रहते थे वो लोग यात्राओं पे ज़्यादा वो फोकस करते थे। हाँ, ज़्यादा यात्राओं पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं जाते रहते थे। तो जैसे वो अपना रेशम मार्ग वाला था, हाँ, व्यापारिक जो व्यापारी थे अपने गधे घोड़ों से जो सामान लादा और उसको इधर से उधर ले जाएंगे, है ना। कुछ लोग क्या करते, आखेट के उसमें घूमते रहते थे, है ना, कि हमें खानाबदोश रहते थे। हाँ, खानाबदोश, तो वो लोग खाने की तलाश में हमेशा इधर से उधर भटकते रहते थे। ठीक, अथा कभी कभी लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक, क्या अगर जैसे मान लीजिए अगर कहीं बाढ़ आ गई है ना, या कुछ भूकंप आ गया, तो ऐसे इन कारणों की वजह से भी उन लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। या फिर जो लोग खेती कर रहे थे, अगर खेती में उन्हें नुकसान हो गया, या पहले झूम खेती होती थी, है ना, या वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो गई, या उनकी जो उत्पादकता, मिट्टी की उत्पादकता है वो ख़त्म हो गई, तो इस कारणवश भी वो लोग वहाँ से पलायन कर जाते थे। और क्या है इसमें? कभी कभी सेनाएं, है ना, दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, है ना। तो जैसे सेनाएं हैं, अगर पड़ोस वाले राज्य पे अपने अटैक करना है तो अपने सेनाओं के साथ भी कूच करते थे। कूच करना है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, चलो, कूच क्या है? मंगोल शब्द है। हाँ, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिलों में भी, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धर्म गुरु, अच्छा, धर्म गुरुओं का काम क्या था? देखिए, इस टाइम पे जो मानव सभ्यता थी वो सही से अपने अस्तित्व में आ गई थी, क्योंकि जब तक क्या बोलेंगे, मानव सभ्यता अगर सही से नहीं आएगी तो धर्म का कहीं उसका जिक्र नहीं आएगा। ठीक, और वो जो स्टार्टिंग के लोग थे, यानी जो पाषाणकालीन लोग थे, वो ज़्यादातर इन्हें धर्म मर्म से कोई लेना नहीं था, अपना सिर्फ शिकार किया, खाया पिया, उसी में जो मस्त रहते थे। ठीक, बट क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें धार्मिक आस्थाएं आई, और फिर इनके जो गुरु हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान या एक गांव से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक, कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्राएं करते थे। जैसे इंग्लैंड और यूरोप के अगर इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्या रहता था कि ये जो इंग्लैंड के लोगों को क्यूरियसिटी यानी ज़्यादा उत्सुकता रहती थी कि वो नई नई खोजें करें, है ना। तो ये लोग क्या जंगलों में चले जाएंगे, है ना, मानव सभ्यता की खोज में, या फिर कुछ और नई खोज करना है ना, साइंस की फील्ड में देखना है, तो ये लोग अक्सर लंबी लंबी यात्राएं करते थे। जैसे समुद्र की यात्राएं करते थे, जैसे वास्को डी गामा को देख लो। हाँ, 1498 में वास्को डी गामा आ गया था भारत, है ना। तो वो भी इसी
मतलब वो भी ऐसी मानसिकता मानसिकता वाला था, जो क्योंकि वो उसके भी मन में था कि मैं कुछ ना कुछ नया खोजूं, तो उसने भारत को जैसे समुद्र की यात्रा की और वो भारत आ गया था। ठीक, और क्या है, सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक, अब जो उधर से आएंगे अपने जो विचार होंगे वो लेके आएंगे, इधर से अगर कोई जाता है तो अपने वो कल्चर का एक्सचेंज कल्चर होता है। हाँ ठीक, चलो। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज क्यों करते हो बताओ जरा, क्यों करते हो यात्राएं? कपड़े खरीदने के लिए? हाँ चलो, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। ठीक, जो अपना चित्र एक है वो भारत का नक्शा दिखाया गया है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं और समुद्र है। तो ये क्या कर रहे हैं, उसकी सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध। चलो नेक्स्ट पेज। समृद्ध किया। हाँ, कई सौ वर्ष से लोगों पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक, जैसे आजकल हमारे इधर देखोगे ना, कितने वैरायटीज के फूड्स मिलते हैं ना, जैसे अभी क्या चाइनीज फूड आया, मैगी आ गया। ठीक, तो ये उसी का परिणाम है। ठीक, जो चाइनीज हो, जो क्या बोलते हैं उसको, पैकेजिंग वाले फूड आते हैं ना, फास्ट फूड आते हैं, तो ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर का, जो हमने जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपना लिया। ठीक, चलो देश के नामों के बारे में पढ़ लें थोड़ा। अब ये थोड़ा अजीब टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ते रहो। चलो, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया कहते, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम, हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। जैसे इंडिया का मैप बनाएंगे ना, जैसे पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान वाला इलाका है, उधर से ये लोग आए, कौन, यूनान और ये वाले अपना। तो इन लोगों ने जो सिंधु बीच में क्या थी, सिंधु नदी थी, तो ये सिंधु नदी, देखो मैप देख लें अपन, ऐसा ऐसा बनेगा। अच्छा, वो तो है ही नहीं ना, पेन देखना पड़ेगा, ये रहा पेन, इसको करो लॉक, इसको करो लॉक। ठीक, ये देखिए, यहाँ बना देते हैं, ये राजस्थान वाला हो, ये राजस्थान वाला इलाका हो गया है ना, ऐसे करके ये जम्मू कश्मीर, इधर ऊपर जम्मू कश्मीर चला जाएगा ना। चलो ठीक, तो ये वाला सेक्टर था ना, ये इधर मान लीजिए, ये अपनी, ओहो ठीक है, ये अपना क्या घूम रहा है, ये अपनी सिंधु नदी हो गई। ठीक, तो इधर से ये लोग आए हैं, इस साइड से है ना, यूरोपीय कंट्रीज से आए लोग है ना, यूरोप देश। तो फिर इन लोगों ने जो इस नदी के इस पार थे यहाँ पे, इन लोगों ने क्या कहा, इंडिया। हाँ, इंडिया कहा, यह है इंडोस। ठीक,
इस जो सम नदी के इस पार वाले लोगों को, यहाँ इस सेक्टर वाले लोगों को इंडोस कहा। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कब संस्कृत का आरंभ कब लगभग 3500 वर्ष पुरानी मान रहे हैं कृति ऋग्वेद में मिला है। भारत का जो नाम मिला है वो कहाँ, ऋग्वेद की एक कृति में मिला। ठीक, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। ठीक, जबकि भारत का उपयोग किसके लिए किया जाता था, एक समूह के लिए किया जाता है ना, इसमें ऐसा बताया कहाँ, ऋग्वेद की कृति में ऐसा बताया। चलो, पांडुलिपि से बनी, पांडुलिपि का एक पृष्ठ, चलो पांडुलिपि के बारे में पढ़ने थोड़ा, ये पांडुलिपि क्या कह रही है। ठीक, चलो पांडुलिपि से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये वाली पांडुलिपि है। ठीक, ये है पांडुलिपि। ठीक, ये वाली, ये रहे पेन, ये पांडुलिपि है ना। ये अपनी पांडुलिपि हो गई। ठीक, चलो इसको पढ़ लें। अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है, कर सकते हैं। ठीक, इनमें से एक तरीका क्या है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढ लो। ठीक, और उन्हें पढ़ो, उनके बाद जो कंक्लूजन निकले उनसे पता लगा लो। ठीक, पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या बोला इन्हें, पांडुलिपि कहा गया। जो पुस्तकें जो पहले लिखी गई थी वो भी हाथ से लिखी, तो उन्हें पांडुलिपि कहा गया। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त तो होने वाला शब्द क्या है, मैन्यू स्क्रिप्ट है या मनुस्क्रिप्ट। ठीक ना, जो मनुस्क्रिप्ट को वो मत समझना जो मनु थे ना, उन वाली वो जो एक बोरी हुए ना ऋषि मुनि मनु, तो उनका नहीं, जो क्या है मनुस्क्रिप्ट है। ठीक, ये अलग है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, हाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि वो मनु है और ये भी मेन्यूस्क्रिप्ट है ना। जब इसे अगर इंग्लिश में देखोगे वो भी मनु पढ़ने में आएगा, और लैटिन शब्द में क्या है मेनू है ना, जिसका अर्थ क्या होता है हाथ, हाथ से निकाला जाता है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशिष्ट तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई। ये कहाँ, हिमालय के जो हिमालय का तल क्षेत्र वाला है, तलछट है, उस क्षेत्र में बुर्ज नामक जो पेड़ हैं उनकी छाल से है ना, छाल मतलब उनको ऐसा काटेंगे तो रोल रोल टाइप के निकलेंगे है ना, तो उससे ये बनाई गई हैं, तैयार की गई। चलो, इतने वर्षों में इतने से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई हैं, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखिए, यहाँ भाषाओं का खंडन देखने को मिलता है। ठीक,
आम लोग प्राकृतिक कर रहे हैं, तो जो विशिष्ट लोग होंगे या पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो कैसे अलग भाषा का उपयोग करेंगे, जिसे हम संस्कृत कहेंगे। ठीक, जो पढ़े लिखा वर्ग था वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा होगा। ठीक, चलो, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक, जो अभिलेख हैं क्या कठोर, उस पर जो हार्ड होगा, हार्ड वस्तु पे किसी पे भी जो उत्कीर्ण करे, उत्कीर्ण मतलब ऐसे उनको खुरच के बनाए गए हैं ना, उनमें गड्ढे करके बनाए जाते हैं। ठीक, या कोई हार्ड हार्ड बोला है अभिलेख, कुछ भी हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, जो मतलब मेटल के हो सकते हैं या नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक, चलो, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्रयाग शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा रखते थे। ठीक, जैसे कई सारे हैं ना, अशोक के जो लेख हैं उनमें भी क्या उनकी लड़ाइयाँ या विजय हैं, विजय पाई गई हैं उनके बारे में लिखते हैं ना। ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसे अपने किसी ने भी कोई भी उपलब्धि प्राप्त की तो वो पहले के राजा राजा महाराजा रहते थे, तो उन्होंने अपना एक बड़ा सा पत्थर लिया, उस पर लिख दिया। ठीक, उसे क्या बोल रहे थे, अभिलेख बोल रहे हैं। ठीक, और ये ज़्यादातर कौन लोग करवाते थे, जो धनाढ्य लोग रहते थे, है ना, गरीब लोग थोड़ी करवाएंगे, और जिनकी समाज में अच्छी अच्छी पकड़ है या कोई ना कोई बड़े ओहदे पे हैं, तो ही लोग करवाते थे ये कार्य। ठीक, चलो, जैसे अभी अगर आप लोग देखेंगे तो अभी भी ऐसा शिलान्यास करवाते हैं ना, जैसे ठीक ना, घर के बाहर आप लोग लिखवा देते हैं, ये डैश 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 एंड डैश का नाम लिखवा दिया किसी का, है ना, तो ये वो भी उसी प्रकार के हैं। ठीक, चलो, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान में क्या कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक, इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलो, क्योंकि ये देखिए ये बात क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये अभिलेख है ना कहीं दूसरी भाषा में लिखा गया है। ठीक, और उसमें कुछ ऐसे संकेत उपयोग किए गए हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ठीक, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ संकेत या कुछ अक्षर हैं उन्हें मिला के एक भाषा का निर्माण किया गया है। ठीक, जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा जो अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ठीक, ये दो भाषाएं हैं, है ना, दो प्रकार की शैलियां हैं, लेखन शैली हैं दोनों, तो ये उसमें लिखा गया क्योंकि उस टाइम ये अफगानिस्तान वाले इलाके में उस टाइम की ये लोकल भाषा होगी। ठीक ना, तो ठीक समझ गए, तो ये कोई ना कोई ये दो भाषाएं हैं, इनमें लिखे गए हैं। अशोक के जो जो अभिलेख हैं वो कई भाषाओं में लिखे गए हैं। ठीक, क्योंकि अशोक ने एक बहुत बड़े स्थल पे उसने राज किया था। ठीक, चलो, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है। ठीक है, आपका होमवर्क है, आप बताएं क्या है लाभ, क्या है। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये कौन है, वो अपने स्टार्टिंग में ये जो लड़की का नाम पढ़ा था ये पूछ रही है। ठीक, चलो, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। चलो, इसको वो कर लो, इसको हाईलाइट कर लो, थोड़ा सा ये लिख लो, इसको कॉपी में लिख लेना, है ना, क्या है, ऐसी वस्तुओं के अध्ययन को जो क्या जैसे लेख हो गए या अभिलेख हो गए या अन्य ऐसी कठोर वस्तुओं के जो
अध्ययन करता है या पुरातत्व जो इतिहास का वो करता है ना, उसको क्या क्या बोल दिया इन्होंने, पुरातत्वविद कह दिया ना। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक। और अध्ययन किन किन चीज़ों का करते हैं और नीचे बता दें, ठीक। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, नीचे चलते हैं, और क्या, किस किस का अध्ययन कर रहे हैं भाई। पेज ही चेंज हो गया से। ठीक चलो। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। हाँ, ये लोग क्या कहीं कहीं जैसे हड़प्पा सभ्यता वाला देख लो, या अपना उत्तर प्रदेश में एक कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट है यार, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है ना, सनौली नाम की एक जो स्थान है वहाँ अभी भी कुछ दिन पहले साइट्स पे खुदाई हुई थी है ना, तो वहाँ पे भी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिली हैं जो कि अभी उनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है ना। इलाहाबाद में चले जाओ, अभी भी कई साइडों पे काम चल रहा है, ठीक। महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में भी कई जगह है ना, मध्य प्रदेश के भी कई सेक्टर में जो पुरातत्वविद है ना, नापदा टोली के आसपास भी अभी भी चल रही है ना, जो यानी कि खुदाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक। तो वो लोग कौन है जो ऐसे काम करते हैं, वो कौन क्या कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं, कई प्रकार की बनी हो सकती हैं ना, धातु के जैसे खिलौने पाए जाते थे है ना, या मिट्टी की जो पक्की मिट्टी रहती ना उनसे वो गाड़ी बैल बना लेते थे है ना वैसे। तो ये क्या होते थे, ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले थे। क्या ये लोग क्या करते थे, ऐसे जो अभी अपने मिल रहे हैं जो सामान मिलता है ना, क्योंकि वो कठोर था है ना, लॉन्ग जो लंबे समय तक चल सकता था, उसी के कारण आज हम उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जो चीज़ें नष्ट हो गई आज भी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना वो नष्ट हो गई, तो उनके बारे में हमें अभी भी पता नहीं लग पाया, ठीक। चलो, जो हार्ड चीज़ें थी जो लंबे समय तक टिक सकती थी उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। चलो, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, ठीक। या सिंधु के आसपास देखेंगे तो यहाँ जब खुदाई हुई है तो इस टाइम पे वहाँ पे भी मिली है ना, नर्मदा के जो नर्मदा सेक्टर है, नर्मदा सेक्टर पे जो साइट्स हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें मिली हैं, ठीक। जैसे कहीं कहीं मानव की खोपड़ी मिली है, तो वो खोपड़ी मतलब जो हेड है ना, इससे उन्हें यहाँ जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वनस्पति जल्दी नष्ट हो जाती हैं, या कुछ जीवाश्मी वास्म रह गए तो उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी कर सकते हैं। यदि अन्न अन्न जी क्या है, अन्न वो अनाज वाला, अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे बचे हैं ना। जैसे कहीं देखो, कहाँ देखोगे तुम, एक जगह कौन सी साइड थी यार, वहाँ पे वो चावल के, गेहूं के कुछ जले हुए दाने मिले हैं ना, ठीक है, सिंधु वाले सेक्टर में मिले हैं, ठीक है, ये वाला उसको देखेंगे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले मिलते होते हैं। जैसे क्या, अगर मान लो अगर कुछ वो कर रहे हैं, खुदाई चल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या कपड़े मिल सकते, क्योंकि कपड़े क्या है, 1 या 2 साल बाद वो ख़त्म हो जाते हैं ना, या मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि वो कपास से बने होते हैं ना, तो इस कारणवश कपास डिग्रेडेबल है ना, तो वो जल्दी से डिग्रेडेबल हो जाता है, या वो उसको मिट्टी में मिल जाएगा, या फिर कुछ वैसे होते हैं ना तो मिल जाते हैं, तो ऐसा ही इनका प्रश्न है। तो चलो अपन उसको देखते हैं क्या मिल सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, मैंने तो पढ़ा है तो मिले हैं कहाँ, वहीं सिंधु के आसपास कुछ मिला, सुई मिली थी मे भी, हाँ, या कुछ और मिला था जो कपड़े में रैप्ड थे है ना। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रयास रोध शब्द का प्रयोग करते हैं।
इसलिए इन्हें उन्हें क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। जो क्या इतिहासकार किसका स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक, किस लिए, जो कुछ भी चीज़ें उन्हें मतलब उनके अध्ययन में मिलेंगी, ठीक। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। ये क्या है, एक प्रकार के जासूस हैं। कुछ भी इन्हें क्लू मिलेगा या थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, फिर उसके बाद जो अपना दिमाग का उपयोग करेंगे और फिर उसके बारे में फिर हमें लिखेंगे, पूरा इतिहास समझाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ हुआ ना। क्योंकि देखिए, इतिहास जब कुछ चीज़ें पता नहीं लग पाती हैं तो वो सिर्फ एक प्रकार का अनुमान ही लगा देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। चलो ठीक, चलो, अतीत एक या अनेक, इतिहास एक है या अनेक है। चलो, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का अध्ययन यहाँ से ध्यान दिया है? हाँ, अतीत शब्द का उपयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। इसको नोट कर लो, अतीत का कैसा मतलब कैसा है, ये बहुवचन है ना, कई सारे उसके लिए किया जाता है। चलो ठीक, नेक्स्ट पेज। ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, पशुओं अथवा कृषकों के जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सभी का जीवन अलग अलग था। हाँ ठीक है, तो इसलिए क्या है, अतीत कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है, ठीक। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे, ठीक। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग खानाबदोशी थे, ठीक। कुछ उसमें जो राजा और या कुछ और लोग थे वो खानाबदोश नहीं थे, ठीक, वो अपना शासन करते थे लोगों पे, है ना। तो कुछ ऐसी जो जंगली प्रजातियां थी वही सिर्फ खानाबदोश वाला काम करती थी, कुछ और लोग थे वो अपना व्यवसाय करते थे। जैसे कुछ खेतीहर मजदूर हो गए ना, जो सिर्फ खेती में, वो उन्होंने कहा जंगल में रिस्क है ना, जानवर वो उनका शिकार कर सकते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने बाहर आके, जंगल से बाहर आके रहना सीखा, ठीक। तो इसलिए उनमें भिन्नता पाई गई थी। तो क्या है, इसका मतलब क्या रहा कि अतीत सभी का एक एक जैसा अतीत नहीं था, सभी का अलग अलग था। हाँ चलो, इसके अतिरिक्त चलो ये ठीक है, इसका हो गया, इसे छोड़ो। चलो, तिथियों का मतलब के बारे में पढ़ ले, है ना। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछता है तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसकी तरह का कोई अन्य वर्ष बताओगे। वर्ष की है गणना ईसा, ईसाई धर्म प्रवक्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि इससे की जाती है ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक, उसके बाद और या उससे पहले उसकी गणना की जाती है, ठीक। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद 2000 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ई और पू जो बनाते हैं उस पर डॉट डॉट लगाया, तो इसे क्या बोलते हैं,
ईसा से पहले, ठीक, के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 200 यानी 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलो, इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी है ना, बीसी मतलब, कमेंट में बताओ, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर बिफोर क्राइस्ट, हाँ ध्यान रखना, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, एडी मतलब हिंदी में क्या होता है, एनो डायनेमी है ना, नामक दो लैटिन शब्द हैं ये, ठीक, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है, ठीक है, जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद एडी लगाएंगे या उससे पहले क्या लगाएंगे, बीसी, ठीक। चलो, कभी कभी एडी की जगह बीसी, सी सॉरी सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लें, हैं एक बार और देखो क्या क्या है। एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, ठीक, तथा बी सी का जो उपयोग रहता है कौन से, विफोर एरा है ना, एरा का मतलब ये होता है एक काल युग है, एरा एरा इंग्लिश वर्ड है, ठीक, के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, ठीक। भारत में तिथियों के रूप में भी प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीसी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, वर्तमान से पहले, ठीक। अच्छा, प्रश्न 3 पर क्या दिया है, तिथियां हैं उनका पता लगाओ। चलो ठीक है, ये आपका देख लेना है, ये तो कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ो। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, आ गया, चलो इसको देखें, ये क्या है, अन्यंत्र क्या है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अभी अभिलेखों के लिए लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है, ठीक, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थात अर्थ निकालने का एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक, जो एक एक प्रकार की लिपि बनाई फिर उन लोगों ने जनरेट की, जैसे क्या बोलेंगे, ऐसे कई सारे मैंने बोला था ना, अशोक के जो अभिलेख हैं वो पढ़े नहीं गए हैं, ठीक। ये तो फिर क्या किया, तो उन लोगों को ऐसा किया कि कहीं जैसे दूसरी जगह, जैसे अशोक के मान लीजिए और जगह से अपने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ठीक दोनों की जगह दोनों लिपि लेंगे, मान लीजिए एक संस्कृत में है एक यूनानी भाषा में, तो ठीक दोनों की जो लिपि है उस लिपि को देखेंगे, उस लिपि में जो भी कॉमन वर्ड निकलेंगे उन कॉमन वर्ड्स को देखेंगे, कॉमन वर्ड्स के हिसाब से यूनान में उसका अर्थ क्या है और इंडिया में अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ देखेंगे, फिर यहाँ उनको अप्लाई करेंगे उसे उसे पढ़ने में, तो फिर थोड़ा बहुत जो भी क्लू निकलेगा उनका, जो भी थोड़ा बहुत राज निकलेगा, फिर उसके हिसाब से वो समझ जाएंगे कि हाँ इसका मतलब ये था, ठीक। तो इसी प्रकार ये कुछ डायग्राम्स दिए हैं ना, है ना, कुछ चित्र हैं उनके, फिर उन लोगों ने उनको
ऐसा डिज़ाइन किया, कंपैरिजन कई सा एक साथ कई सारी लिपियों का कंपैरिजन करने के बाद ये कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, फिर उनके निष्कर्ष के ऊपर और निष्कर्षों को फिर अप्लाई करेंगे और फिर उससे जो रिजल्ट निकलेगा प्रोडक्ट, फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके इनका होता है। चलो, इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी कहते थे, हाँ रहते थे। चलो देखो, ये उनका है मिस्र के, जैसे ये देखिए, शेर के लिए उन्होंने क्या उपयोग किया, एल का उपयोग किया है। ठीक, ये एक क्या है, इसको क्या बोलेंगे कि समुद्री जानवर है। ठीक, उसके लिए ओ किया है, आधे सर्किल का टी के लिए है ना, स्क्वायर के लिए पी के लिए किया है ना। तो ऐसे ये जानवर हैं, इनके लिए उन लोगों ने प्रयोग किया है। तो इससे फिर क्या है, अपन लोगों ने एक लिपि जनरेट कर ली, फिर उसको पढ़ा तो इसका मतलब क्या है ऐसा निकाला अपन लोगों ने। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोस्टा नामक एक कस्बा है ना, कहाँ, मिस्र के उत्तरी तट पे। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि में दो प्रकार में है। ठीक, एक ही लेख जो एक ही लेख है उसमें कितनी तीन भाषाओं का उपयोग किया गया। ठीक, या तीन लिपियों का उपयोग किया, या तीन प्रकार की जो लेखन कला है उसका उपयोग किया गया, एक तो यूनानी और जो दो प्रकार हैं वो मिस्री भाषा के ही अलग अलग प्रकार हैं। ठीक, कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, उन्हें बताया गया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखवाए गए हैं। इन्हें करतूस या कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानियों तथा मिश्र संकेतों को अलग अलग वलग करते हुए मिश्र अक्षरों को समानार्थक ध्वनि की पहचान की। और जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर अनेक किन के लिए प्रयोग हुए हैं, तो वे आसानी से अन अभिलेखों को पढ़ सकते थे। ठीक, तो वही मैंने बता दिया आपको कि ऐसा कॉमन कॉमन चीज़ें निकाल के पढ़ते थे। ठीक, चलो ये देख लें, उपयोग शब्द, या देखिए, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का नाम, अर्थ निकालें। ठीक, ये शब्द हैं कुछ जो अभी तक अपन ने चैप्टर में प्रयोग किए हैं, तो इनको आप देख लें एक बार। ठीक, जो समझ में ना आए या फिर इनके अर्थ लिख लें। ठीक, क्या क्या अर्थ हैं। ठीक, चलो कल्पना करो, तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना है। तुम उन पांच प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहते हो। या ऐसे देखिए, इंटरव्यू लेना है आपको किसी आर्कियोलॉजिस्ट का, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन तैयार करना है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार करोगे वो आपका होमवर्क है। ठीक, या फिर क्वेश्चन बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालें। चलो ठीक, ये सुमेलित कर लीजिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल है। ठीक, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी क्या है यहाँ पे देखिए, चलो सुमेलित करके करके देखते हैं कितना बनता है। पहला बड़ा राज्य, आखिर संग्रह, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि नगर, देखिए ये लगभग नर्मदा कहाँ हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले है ना। गोरा पहाड़ियाँ क्या है, आरंभिक कृषि, आरंभिक नगर, क्या हुआ था यहाँ पे, पहला बड़ा राज्य कर लो ठीक है ना, मगध के लिए। गोरा पहाड़ियों में क्या, आखेटक संग्रह, सिंधु घाटी इसकी सहायक नदी थी, किसकी थी, अच्छा इस पे कम है यार, दो दो चार एक पाँच, चार एक पाँच ना। गंगा घाटी में क्या हुआ, आरंभिक कृषि हुई है ना। सिंधु घाटी इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ,
नगर वाला, ठीक है ना, सिंधु घाटी के इधर है ना, गारो खासी में वाकेट का हो गया, नर्मदा घाटी में पहला राज। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन सिंपल है, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक चलो, बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और क्या, ठीक है, सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और कल का इंतज़ार करें, कल मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, उसकी वीडियो भी आपको देखना है, ठीक, थैंक यू।